आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पार्टी है और इस लिहाज से वो सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी भी बन जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो जितना कमाता है उतना ही खर्च भी करता है। तो चलिए आज तक एक्सप्लेनर में हम आपको बताते हैं कि चार बड़ी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चुनाव के वक्त वोटरों को लुभाने और वोट जुटाने के लिए कितने रुपए खर्च करती है। लेकिन खर्च जानने से पहले आप उनकी कमाई जान लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 के बीच 3,623 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बीजेपी टॉप पर है। इसके बाद कांग्रेस, फिर सपा और आखिरी में बसपा का नंबर है। ये तो हुई कमाई की बात, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये भी बताता है कि खर्च करने के मामले में भी बीजेपी टॉप पर है। उसने 1,651 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किया है। इसमें भी दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर सपा और चौथे नंबर पर बसपा का नंबर है। इन राजनीतिक पार्टियों की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स चुनावी बॉन्ड होता है, जो कि बैंकों से मिलता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी व्यक्ति ने SBI में जाकर एक बॉन्ड खरीदा और उसे किसी पार्टी को दे दिया। ये बॉन्ड 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। साल 2019-20 के बीच बीजेपी को जो 3,623 करोड़ रुपए की कमाई हुई, उसमें से 2,555 करोड़ रुपए तो सिर्फ चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले थे। वही 628 करोड़ रुपए कमाई करने वाली कांग्रेस को 3,17,00,000 रुपए बॉन्ड के जरिए मिले थे। इनके अलावा डोनेशन से, क्राउड फंडिंग से, लिटरेचर बेचकर, सदस्यता अभियान चलाकर या फिर कॉरपोरेट चंदे से पॉलिटिकल पार्टियां पैसे जुटाती हैं। तो ये तो हो गई पॉलिटिकल पार्टियों के कमाई और खर्च की बात। चलिए लगे हाथों आपको बीते 5 साल में इन पार्टियों ने चुनाव में कितने पैसे खर्च किए ये भी बता देते हैं। इसके लिए भी हमने इलेक्शन कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट खंगाली। यहाँ भी हमें पता चला कि 5 साल में बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा चुनाव में खर्च किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस आती है, जिसने 2015-16 में 53 करोड़ तो 2019-20 में 864 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, जिसने साल 2015-16 में 27 करोड़ रुपए खर्च किया था, जो 2016-17 में बढ़कर 140 करोड़ के पार तो पहुंचा, लेकिन 2019-20 में घटकर 36 करोड़ तक ही आ गया। बसपा सबसे आखिरी में रही। साल 2015-16 में बसपा ने 6.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। भले ही 2017-18 में खर्च घटे हो, लेकिन 2019-20 में बसपा ने सपा से भी ज्यादा 51 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो देखा आपने, बड़ी से बड़ी चुनावी रैलियों से लेकर अखबार में आए विज्ञापन और सड़कों पर लगे पोस्टर्स तक राजनीतिक पार्टियां चुनाव में खूब पैसे खर्च करती हैं। इन्हें ज्यादातर पैसे जिन चुनावी बॉन्ड के जरिए मिलते हैं उसे बैन करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी है, क्योंकि ये बॉन्ड्स किसने दिए हैं या कहां से आए हैं इस रिकॉर्ड का पता लगाना काफी मुश्किल काम है। ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।